सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग नगर पालिक निगम उज्जैन व जनपद पंचायत उज्जैन और घटिया के संयुक्त तत्वाधान में उज्जैन में मंगलवार को बृहद स्तर पर दिव्यांग युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन में सुबह से ही सभी धर्मों के दिव्यांग युवक युवतियां अपने माता पिता सहित पंजीयन के लिए आए और स्थानीय समाज सेवी संस्थाओं द्वारा मंच के माध्यम से उनका परिचय करवाया गया। परिचय सम्मेलन में विधायक रामलाल मालवीय, सीईओ जिला पंचायत श्री नीलेश पारेख, अपर कलेक्टर क्षितिज सिंघल, जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया, सेवाधाम आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल सहित कई लोग मौजूद रहे। परिचय सम्मेलन में उज्जैन शहर, उज्जैन जनपद और घटिया जनपद के आसपास से लगभग 200 आवेदन आए, जिनमें से 50 से अधिक जोड़े बन चुके हैं। दिव्यांगजनों के जोड़ों की काउंसलिंग के पश्चात फरवरी माह में सामूहिक विवाह और निकाह कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे समाज सेवी और सेवाधाम आश्रम के संचालक ने बताया कि सम्मेलन में सेवाधाम आश्रम के 20 जोड़े सहित 50 से अधिक जोड़े अब तक बन चुके हैं। इनमें 5 से अधिक मुस्लिम जोड़े और उतने ही सामान्य और दिव्यांग के जोड़े बन चुके हैं। इन जोड़ों के मूक बधिर और बहुदिव्यांग शामिल हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि सामान्य युवक युवतियाँ भी दिव्यांग युवक युवतियों से विवाह करने के इच्छुक हैं। कई लोगों ने मंच पर आकर अपनी इच्छा जाहिर की है। जोड़ों की निरंतर काउंसलिंग की जा रही है और उनके परिवार जनों से सतत संपर्क किया जा रहा है। नगर निगम उज्जैन, जनपद पंचायत गढ़िया और जनपद पंचायत उज्जैन के दिव्यांग लोगों का विवाह योग्य जो युवक युवती है उनके लिए ये परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अभी तक 140 पुरुष और 35 महिलाएं रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब इसमें से ये आपसी सहमति से जितनी जोड़े बनते हैं उनके फिर आगे शादी के बारे में ये लोग तय करेंगे कैसे करना है, उनके परिवार वाले तय करेंगे।